नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। धनतेरस पर सिर्फ आप 2 रुपए की यह एक चीज लेकर आए घर में, चमक जाएगी आपकी किस्मत, धन बरसेगा जमकर। कहने का मतलब है कि दोस्तों, धन की बारिश तो नहीं होगी आपके घर में, पर जो धन के मार्ग हैं सभी वो खुल जाएंगे और इतना ज़्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माता लक्ष्मी जी के पांव सीधे आपके घर में पड़ेंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद दोनों आपके घर में हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बार धनतेरस का पावन पर्व 29 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन है और दीपावली का पावन त्यौहार 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन आदि भी खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जिनसे जो बनता है खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और ज्ञान दाता माना जाता है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीज होती हैं जिसे खरीदारी करने से धन तेजी से बढ़ता है, रोग और शोक ये दोनों मिट जाते हैं और मानसिक चिंता कम होती है, गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता तो घर का रास्ता छोड़ देती है। जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों, जो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में, कुछ ऐसी सामग्री हैं जिसे आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। और देखिए दोस्तों, धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, क्या हमें खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो धनतेरस का जो दिन है ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। खरीदारी करते समय शुभ मुहूर्त का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी 13 गुना वृद्धि होता है, अर्थात वह अक्षय हो जाता है, क्योंकि धनतेरस का दिन उन पुण्य मुहूर्तों में से सबसे शुभ और पावन मुहूर्त माना जाता है, दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी चीज लेना अच्छे माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन कोई, जैसे कि वाहन खरीदारी करते हैं तो कोई, बहुत से लोग चांदी, स्टील और सोना वगैरह सब कुछ खरीदते हैं, तो आप जो भी खरीदेंगे इनका प्रभाव 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे वाहन खरीदते हैं तो जैसे वाहन से कोई दुर्घटना नहीं होगी, और अगर आप एक वाहन लाने हैं तो कुछ ही साल के अंदर आपके पास यानी बहुत सारे वाहन हो जाएंगे। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार कुछ चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही सस्ती और छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। 10 से 12 मिनट आप इस वीडियो के लिए जरूर देकर जाना। तो यकीन मानिए, माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि आप अपने राशि के अनुसार कोई विशेष वस्तु धनतेरस के दिन खरीदारी करें, क्या खरीदारी करें, तो आप हमारे कमेंट में अपने राशि जरूर लिखना, हम कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए। मैं ऐसी कुछ चीज आपको बताऊंगा जो घर में आपको लाना है, आपके घर के आसपास भी मिल जाएंगे और ये मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में फिर से जय माँ लक्ष्मी लिखिए और हैप्पी धनतेरस, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम है दोस्तों कमल का बीज, जिसको हम कमल गट्टा कहते हैं। ध्यान से सुनना, कमल के फल के जो हैं बीज है वो निकालने के बाद उसे कमल का बीज को कमल गट्टा कहते हैं, जिसे हम यानी कि कमल के फल से निकालते हैं। तो इसके अंदर जो बीज निकलता है कमल से, उसकी माला बनती है,
माता लक्ष्मी जी के लिए। जिसको माता लक्ष्मी जी को सिद्धि करनी होती है, इनकी माला से जाप करते हैं, तो देखिए जो कमल के गट्टे होते हैं इसे माता लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है। कमल का जो बीज होता है ये माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो ये एक काम करना धनतेरस के दिन धन्वंतरी तो महाराज को और माता लक्ष्मी जी को 5-5 कमल गट्टे का बीज समर्पित कर देना, और आपकी जो प्रार्थना है कि हे माता लक्ष्मी आप हमारी गरीबी मिटाएं, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना कि हे महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहे, निरोगी काया की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके कमल का बीज खरीद करके लाइए, माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को आप समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय में सभी शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन आप सीधे माता लक्ष्मी जी से और धन्वंतरी भगवान से आप ये प्रार्थना करें तो आपकी पुकार सीधे उन तक पहुँचती है। दोस्तों फिर जैसे औषधि दूसरे नंबर पर है, औषधि इस दिन औषधि क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि औषधि में निरोग काया प्रदान होते हैं, ये निरोग करने का काम करते हैं। तो धनतेरस के दिन औषधि भी आप खरीद सकते हैं, इनकी जैसे कुछ पेड़ों की जड़ खरीद कर लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको जड़ आसानी से आसपास मिल जाएंगे धनतेरस के दिन, क्योंकि धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, ये एक तरह से वैद्य हैं और इनसे बड़ा वैद्य इस संसार में कोई नहीं है। अमृत का कलश लेकर ये उत्पन्न हुए थे धन्वंतरी महाराज, को धन्वंतरी देवताओं का वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा वैद्य यही है, धन्वंतरी महाराज हैं, तो हमारे लिए ये पूजनीय है, हम इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा के कारण ही वैद्य का ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है। इस दिन तो आप क्या करें, इस दिन आप केले की जड़ जरूर लेकर आएं। केले की जड़ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो केले की जड़ को लेकर आएं और इसे पीले कपड़े में लपेट दें, थोड़ी सी हल्दी लगाकर इसे धन पेटी पर रख दें तो धन खींचा चलाएगा चुंबक की तरह, और पूजा स्थान पर रखते हैं तो रोग काया बिल्कुल शोक दूर हो जाएगी। या फिर आप चाहें तो गूलर की जड़ भी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, गूलर की जड़ भी लेकर आ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम मानी जाती है। गूलर की जड़ और केले के पेड़ की जड़ जरूर लेकर आएं। अगली चीज है माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य लाएं। धनतेरस के दिन गणेश जी की मूर्ति और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने से घर में धन वैभव की कमी नहीं होगी और पूरे साल भर घर में अन्न और धन से भरा रहेगा। दोस्तों इस दिन आप शुद्ध मिट्टी की चांदी या सोने के बर्तन वगैरह या कोई भी चीज पीतल के जैसे हैं, आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। इसे आप लाकर इसे दिवाली के दिन पूजा करें, इससे घर में खुशहाली आएगी। अगली चीज है सोने चांदी का बना कोई भी धातु की बने कोई भी चीज़, जैसे सोने चांदी पीतल इत्यादि। इस दिन सोना चांदी खरीदना भाग्य उदय होता है, पीतल खरीदने से भाग्य उदय होता है। तो आप क्या करें कि आप गहने खरीदने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इस दिन धातु के सामान खरीदें, घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहेगा। अगली चीज है जैसे इस दिन मोर का पंख लाकर अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दें तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। मोर का पंख बहुत ही शुभ होता है। साथ ही एक चीज और जान लीजिएगा, आप इस दिन नमक जरूर खरीदिएगा, नमक बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि दीपावली और धनतेरस के दिन नमक सफेद वस्तु है ना, इसलिए आप ये माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। दोस्तों धनतेरस के दिन आप नमक का नया पैकेट खरीद कर अवश्य लाएं और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी कीजिएगा। नमक का पैकेट धनतेरस दिवाली पर लाने से घर में धन की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख समृद्धि बरसेगी। अगली चीज है शंख। दोस्तों शंख को धनतेरस के दिन जरूर लाएं, ये बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है, इसे आप पूजा स्थान पर स्थापित कर दें और आप धनतेरस के दिन इसको बजा कर देखें, इसकी ध्वनि जहां तक जाएगी शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, शत्रु विरोधियों के दम दबाकर भाग जाएंगे। इसलिए इसे आप लाकर धनतेरस के दिन एक बार इसकी आप जरूर इसे बजाएं और इसकी पूजा करें, क्योंकि ये सुख शांति का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन शंख लाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। साथ ही
अगली चीज है कुबेर जी की मूर्ति। कुबेर जी की मूर्ति या फिर धनवंतरी भगवान की भी मूर्ति आप धनतेरस के दिन जरूर लाएं, अवश्य लाएं, बहुत ही शुभ और उत्तम मानी जाती है। दोस्तों अगली चीज है झाड़ू। झाड़ू तो एक ऐसी चीज है जिसे धनतेरस के दिन जरूर लाने चाहिए, कुछ लाएं या ना लाएं आप इसे जरूर लाएं, क्योंकि अगर आप ये चीज लाते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू, तो घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, बल्कि अन्य देवी देवता भी आपके घर में वास करेंगे और सुख शांति रहेगा, धन वैभव से भरा रहेगा। दोस्तों धनतेरस के दिन जो व्यक्ति झाड़ू दो झाड़ू लेकर आता है उसी घर में माता लक्ष्मी जी स्थायी वास करती हैं, इसलिए आप झाड़ू अवश्य लाएं और दिवाली के दिन इस झाड़ू की पूजा करें और झाड़ू में सफेद रंग का धागा या लाल रंग का कलावा इसमें जरूर बांधें, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन जल्दी से होगा। अगली चीज है साबुत धनिया। दोस्तों धनिया को कोई मामूली चीज मत समझिएगा, 2 रुपए की चीज आती है लेकिन ये आपके भाग्य को बदल सकती है, तो धनिया जरूर लेकर आए। धनिया सुख शांति धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करती है, तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया लाइएगा, चाहे 5 रुपए की या 10 रुपए की धनिया लेकर आए, और दिवाली के दिन इसकी पूजा पाठ करने के बाद इसे आप गमले में बो दें, डाल दें, और ये जैसे जैसे उगेगी इस धनिया का आप प्रयोग करते रहिएगा, आपके धन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे आप। अगली चीज है दोस्तों गोमती और कौड़ियां। ध्यान से सुनिएगा, आप भूल मत जाइएगा, कौड़ी और गोमती चक्र को भी लेकर आना है आपको धनतेरस के दिन। और दोस्तों बता दें कि कौड़ी में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, साथ ही साथ आप इस दिन कछुआ, चांदी का कछुआ या पीतल का कछुआ जरूर लेकर आए, बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी चीज लेकर आए, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।